वर्ल्ड कप 2023 में आज का सुपर हिट और लीग स्टेज का अंतिम मैच भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको सेमीफाइनल मैचों का कम्प्लीट शेड्यूल भी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 में आज के नए पॉइंट टेबल को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का सुपर हिट मैच भारत नीदरलैंड के बीच खेला गया था और इस मैच में इंडियन टीम के कप्तान यानी कि महान बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके बैटिंग करने का डिसीजन लिया और ये डिसीजन काफी बढ़िया साबित हुआ, जहां पे भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और इसके साथ ही महान बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ा, जहां पे विराट कोहली अपना 50वां शतक बनाने से चूक गए लेकिन 51 रनों की अहम योगदान उन्होंने अपने टीम के लिए दिया और भारत की टीम अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही। और अब ये मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 में आज के नए पॉइंट टेबल को। तो पॉइंट टेबल में 10वें स्थान यानी कि बॉटम पे आज की हारने वाली टीम नीदरलैंड है और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में 9 मैच में पार्टिसिपेट कर लिया है, जहां पे सिर्फ 2 में इसको जीत मिली और 7 मैच में नीदरलैंड हार गई। तो अभी नीदरलैंड 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी कि बॉटम पे है और नीदरलैंड का नेट रन रेट -1.635 है और ये टीम सेमीफाइनल से बाहर है। वहीं पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है श्रीलंका और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 में तो श्रीलंका जीत गई लेकिन 7 मैच में श्रीलंका हार गई। तो अभी श्रीलंका 9 में से 7 मैच जीत जाने के चलते 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पे है और श्रीलंका का जो नेट रन रेट है वो -1.419 है और श्रीलंका भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गई। वहीं पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पे है बांग्लादेश और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में 9 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 में तो बांग्लादेश जीत गई लेकिन 7 मैच में बांग्लादेश हार गई। तो अभी बांग्लादेश 9 में से 2 मैच जीतने के चलते 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पे है और बांग्लादेश का नेट रन रेट -1.082 है और बांग्लादेश वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर है। वहीं पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पे है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 3 में तो इंग्लैंड जीत गई लेकिन 6 मैच में इंग्लैंड हार गई। तो अभी इंग्लैंड 9 में से 3 मैच जीतने के चलते 6 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है और इंग्लैंड का नेट रन रेट -0.572 है और ये टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वही पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पे है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 4 मैच में तो अफगानिस्तान जीत गई लेकिन 5 मैच में अफगानिस्तान हार गई। तो अभी अफगानिस्तान 9 में से 4 मैच जीतने के चलते 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पे है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट -0.336 और ये टीम भी सेमीफाइनल से बाहर हो गई। वही पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पे है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 4 में तो पाकिस्तान जीत गई लेकिन 5 मैच में पाकिस्तान हार गई। तो अभी पाकिस्तान 9 में से 4 मैच जीतने के चलते 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है और पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.199 है और ये टीम भी सेमीफाइनल से बाहर हो गई। वहीं पॉइंट टेबल में 4थे पायदान पे है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 5 में तो न्यूजीलैंड जीत गई लेकिन 4 में न्यूजीलैंड हार भी गई। तो अभी न्यूजीलैंड 9 में से 5 मैच जीतने के चलते 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +0.743 है और ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 3रे पायदान पे है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 में तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई लेकिन सिर्फ 2 में इनको हार मिली। तो
अभी ऑस्ट्रेलिया 14 अंक के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +0.841 है और ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 में तो अफ्रीका जीत गई लेकिन सिर्फ 2 मैच में ये टीम हारी। तो 14 अंक के साथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे है और अफ्रीका का नेट रन रेट +1.261 है और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा चुकी है, जहां पे इनका सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से 16 नवंबर को 2 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में होगा। वहीं पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे आज के मैच की विनर भारतीय टीम है और भारत ने वर्ल्ड कप में 9 मैच खेले और सभी 9 के 9 मैचों में भारत जीत गई। तो अभी भारत 18 अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे फिनिश कर चुकी है और भारत का नेट रन रेट +2.700 है और टीम इंडिया सेमीफाइनल में जा चुकी है, जहां पे भारत का सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड से 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो यह था वर्ल्ड कप 2023 में आज का नया पॉइंट टेबल और इसके साथ ही वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैचों का कंप्लीट शेड्यूल। फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से 1,00,000 दर्शकों के बीच होगा। तो यह था वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल और सेमीफाइनल फाइनल मैचों का शेड्यूल।